हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर सा खाना। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही स्पेशल सी चॉकलेट पुडिंग, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे मैं बिना जिलेटिन पाउडर और बिना अगर पाउडर के ही बनाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है मगर बनकर बहुत यमी तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप दूध, और अब उसमें ऐड कर देंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर पाउडर, और अब उसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर की क्वालिटी आप जितनी अच्छी लेंगे आपकी पुडिंग उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। देखिए, इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ मगर ये मिक्स नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ मैंने इसमें आधा कप शुगर ऐड कर दिया है। आप इसमें शुगर ऐड करके इसे मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और दूध को हल्का गुनगुना रखें। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे। और अब मैं इसमें आधा कप के करीब वाइट चॉकलेट कंपाउंड ऐड कर दे रही हूँ, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दे रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे। लगभग हमें 8 से 10 मिनट इसे पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे थिक होता जा रहा है। इस स्टेज पर आपको बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है वरना ये नीचे चिपक जाएगा और हमारे पुडिंग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा यमी पुडिंग का बैटर तैयार हो चुका है और हम आज को बंद कर देते हैं। पुडिंग सेट करने के लिए यहाँ मैंने एक लंच बॉक्स ले लिया है और उसे घी से ग्रीस कर लिया है ताकि पुडिंग हमारा आसानी से बाहर आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना यमी दिख रहा है। ये हमारा बिल्कुल यमी सा पुडिंग का बैटर तैयार हो चुका है। तो बस अब हमें इसे सेट करना है। तब इस लंच बॉक्स में मैं इस बैटर को डाल दे रही हूँ और इसे रूम टेम्परेचर पर ही मैं 1 घंटे छोड़ दूँगी, और उसके बाद 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दूँगी, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। या ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं। तो यह मैंने सारा बैटर डाल दिया है, अब इसे ठंडा होने देते हैं। इसे मैंने रात भर फ्रिज में ही रहने दिया था। और ये देखिए, ये हमारा पुडिंग बिल्कुल सेट हो चुका है। और अब इसे हम मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये कितना परफेक्ट बना है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए हम इस पर कोको पाउडर डस्ट कर देंगे। यहाँ मैंने एक छन्नी ले ली है, उसके ऊपर कोको पाउडर डाल दिया है
और इस तरह से सारे पुडिंग को मैं कवर कर दूंगी। तो ये लीजिए, हमारा टेस्टी सा पुडिंग बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम इसे कट करते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना है, बिना जिलेटिन पाउडर के और बिना अगर अगर पाउडर के। फ्रेंड्स, अगर आप नाइफ़ को गर्म करके काटेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट कटेगा, बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस निकलेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पुडिंग कितना परफेक्ट बना है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।